जो ये पिट्ठा लगाते हैं, कौन से मुनि से किनको पिट्ठा लगता है वो हम जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत, कि आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन आगे जितने भी लोग हैं सब शिवालय जाते हैं, जनेऊ को जो है पद्म प्रतिष्ठा करते हैं उसकी। और जब हम बचपन में जाते थे प्रतिष्ठा करने, तो उसमें हाथ में खाली होती थी, लेकिन आज थैला है, थाली की जगह पर थैला है। ये पहले से हम थाली घर से ले जाते थे, लेकिन अब वो थाली वहाँ मिल जाती है। तो अब मैं निकल रहा हूँ, पहले गाँव के बहुत सारे लोग जाते थे एक साथ, लेकिन अब अकेले जाना पड़ रहा है। सब कुछ जीवा देते, गाँव में कोई है ही नहीं अब, तो आप अकेले जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सब। गांव सारे खाली हो चुके हैं, अभी देखो अकेले अकेले जाना पड़ रहा है। तो जा रहा हूँ, ये देखो शिवी हमें दौड़ लगाना, पहले मैं ऐसी दौड़ लगा के जाते थे नीचे को। ये अब मैं पहुँच चुका हूँ हैंडपम्प पे। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ पंचायत घर में, यहाँ बहुत अच्छा हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये हमारा पंचायत घर है, अभी बैक कैमरा करके भी दिखाऊंगा। हमारे घर में ही पूरे गांव में ही रोड आती है, और ये है हमारा पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र। जैसे पहले हम जैसे यहाँ से अपने इंटर कॉलेज से जाते थे, तो हमारा एक ही होता था, ऐसे करके दौड़ दौड़ के जाते थे। फिर हम 15-20 मिनट का सफर तय कर लेते थे, लेकिन आज सांस फूल लिए चलने में, हैबिट ख़त्म हो चुकी है। तो आगे हमें हमारे गांव के एक भैया मिल गए, उनसे आपको मिलाते हैं। हम जा रहे शिवालय, मेरे को साथ में मिल चुके हैं हमारे चंदू भाई। परिवार थाली भी जाती है, आप थाली रहे हैं, आप फैल फाइन है, तो आप थाली भी जाती है, हम लोग जाती, तो आप कहाँ के थाई, अब थाली खत्म हो चुकी है, आप थैला में चल रहा है। मैं भी थैला, ये भी थैला लेके जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं सारा आज कुछ वहाँ कैसा होगा क्या होगा, तो आप बने रहे ब्लॉग के साथ। ये चंदू भाई हमको पता नहीं कौन से रास्ते ले जा रहे हैं, वो बाहर तली हुई छिल तली तो आए ना है, और ये हमें पता है कहाँ बाहर ले जाना हमको, अगर बाट बंदौला होगा पे हमको कुकुर बुगाल बाबा जी उन्हें काछू बाट, यहाँ सब बाट बंदा ही है, और चंदू भाई हमको भर पड़ा है आज। मैं जी पहुँच चुका हूँ शिवालय में, और यहाँ पर देखिए पंडित जी हैं, तब यहाँ पर स्नान होता है, उसके बाद हम जनेऊ प्रतिष्ठा करते हैं ऊपर मंदिर में। तो यहाँ पर भी सभी लोग जो है स्नान कर रहे हैं, और पंडित जी कर रहे हैं पूजा अर्चना। अब यहाँ पर जो है हाथ पैर धोके जो है हम जाएंगे ऊपर। अभी यहाँ पर जो है जनेऊ रखे हैं, जनेऊ को सब प्रतिष्ठित करेंगे हमारे पीछे। अरे सब पैसे दे रहे हैं उनको। और यहाँ पे निरंजन पांडे जी हमारे साथ हैं, यहाँ बिज्जू भाई टीका लगाते हुए। कोई और है? भी देर में जनेऊ को प्रतिष्ठा के लिए पूजा अर्चना शुरू होने वाली है। अमित भाई
ये आए हैं भीमंडेश्वर के पुजारी जी लोग। के लिए बैठा है वहाँ बैठने तो क्या यहाँ पर चले भी पूजा अर्चना जनेऊ प्रतिष्ठित करने के हैं। हमारा महेश दा पैसे लेके 10-10 के ना नोट की व्यवस्था करके आ चुके हैं यहाँ पर, तो आपको दिखाते हैं ब्लॉग। आप बने गए ब्लॉग देखिए, अभी लाइव आ चुके हैं आशीष भाई। आशीष भाई आप ब्लॉग में कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे आशीष भाई? पीछे पता नहीं क्या हो गया है, शायद ये कुछ लग चुका है। चलो कोई नहीं, आप ब्लॉग में देखेंगे बाद में। अमित भाई है ना, अमित भाई बाद में ब्लॉग में देखेंगे कि तुम्हारे पीछे क्या लगा है। तुम अभी खुश रहो बेटा। ऐसी देखिए, इतनी लेट आ रहे हैं पंकज पांडे जी। देखिए दद्दा आ चुके हैं लेट, और आपको एक खास बात बताने जा रहे हैं बिजू भाई। ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जब जनेऊ को हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं तो वो करीबन 7 बार प्रतिष्ठा की जाती है, तो 7 बार जो है शंखनाद होता है। तो जब ये जितनी बार शंख बजे तो आप सोचिए कि उतनी बार प्रतिष्ठा हो रही है। उसके बाद ही हम जनेऊ को धारण करते हैं और बाकी अभी थोड़ी देर में बिजू भाई बताएंगे, देखते हैं घंटी से बचाएंगे। देखते हैं लेट आने के उपरांत भी इनको टीका लगाया जा रहा है शास्त्री जी द्वारा, और चेहरे पर मुस्कान। दक्षिणा शास्त्री जी को कितनी मिलेगी देखना बनता है, जूम करके नमस्कार हाँ। तो वही हुआ वही। हमारे बीच में है हमारे गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति शास्त्री जी, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या यहाँ का है। हाँ, यहाँ पर जो है स्नान के बाद जो है सूर्य अर्घ्य देकर के श्रावणी उपलक्ष्य में उत्सनाक कर्म केंद्र, गणेश पूजा, मातृ पूजा, पुण्यावाचन, कलस्थापन, रक्षा विधान, ऋषि तर्पण, देव तर्पण, सब तर्पण और आखिरी में पितृ तर्पण, उसके बाद जनेऊ का निराजन और महाआरती की जाती है। धन्यवाद। थोड़ा हम शास्त्री से जानेंगे कि हम जो ये पिठिया लगाते हैं तो उनका यूज कैसे किया जाता है, कौन सी अंगुली से किनको पिठिया लगता है, वो हम जानना चाहते हैं। गर्दनी अंगुली से जो है वो पितरों को चढ़ता है, मध्यमा अंगुली से स्वयं लगता है, अनामिका अंगुली से क्या कहते हैं देवताओं को, ब्राह्मण को लगता है, ठीक है। नहीं है ये कुछ इसे जनरल में सबको जजमान आदि को लगता है। धन्यवाद। यहाँ बजरंग बली जी के दर्शन हो चुके हैं, देखिए आप। ओम विष्णु सदा शिव।
पर जनेऊ धारण करते हुए पंकज पांडे जी। त्वमेव सर्वं मम देवेव गुणगानं पुरातारं संसारसारं भवामि सहितं नमामि। कंप्लीट हो चुकी पूजा अर्चना, अब हम निकलते हैं घर से और हम घर में जाके या जनेऊ पहनेंगे सब। बिज्जू भाई ने भी यहाँ पर जनेऊ धारण कर लिए, बॉडी इनकी बड़ी सदा ढोले शोले देख सकते हैं आप, जिम जैसे गए होंगे ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा यार भाई दादी बिज्जू भी शिकायत है पंडित जी हमें अच्छा बताते हुए अपने हृदय येन मेरदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो येन त्वां हम बंधनामि रक्षं मांचन मांचनो। तो भैया जब हम निकल रहे हैं घर को, ये लोटे का पानी होती है उसमें पानी को रखा जाता है, फिर पानी को लेके जाना पड़ता है घर को। तो भैया सभी गाँव वाले आ रहे हैं, देखिए लाइन बारी, कुछ लोग आगे चले गए हैं, कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं, गांव की वॉलंटियर आ गई। जैसे हम घर पहुंचते हैं तो शंख बजाई जाती है, ये देखो शंख बज रही है। जब पहुंच चुके घर, घर आके अब हम जनेऊ मैंने बदल ली है, अब हम लोग हम ऐसे बैठते हैं, उसके बाद हम राजा भाव को देख रहा हूँ, वहाँ उसको बुलाओ मत। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार, पैसे नहीं मांग रही हो, रो क्यों रहा है, पैसे नहीं देंगे वो चाहे कितना रो मत, पैसे तो मांग रही है, नहीं देंगे यार, तू नौकरी वाला है क्या कोई तो पैसे देगा। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार वादा है।